सभी को मेरी राम राम। मैं आपका अपना दीपक बैनीवाल और आज आए हुए हैं भिवानी ज़िले के सुई गांव में। आपको पता होगा भिवानी ज़िले के जो सुई गांव है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूट्यूबर हैं, तो जिन्होंने सबसे पहले काम स्टार्ट किया था बजरंग शर्मा ने, आज हम उनके पास आए हैं। आज इनके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो इनसे पूछेंगे किन की जर्नी जो रही है वो कैसी रही है, किन किन तकलीफों का इनको सामना करना पड़ा है। तो आज इनके साथ हमारी टीम भी है, तो सबसे पहले नमस्कार भाई। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। सबसे पहले अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा वैसे तो दिव्या पुनिया है और नाटकों में जो है चंद्रावल नाम चल रहा है। चंद्रावल नाम चल रहा है। आपका जी? मेरा संदीप सिंगल, गांव बड़ेसरा, जिला भिवानी। भिवानी जिले से? हाँ जी। हाँ जी भाई। मैं भाई सुई का हूँ, पवन शर्मा। पवन शर्मा, आपको तो सभी जानती हैं। तो आपको स्टार्टिंग में कैसे आइडिया आया था कि आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, किसी ने बताया था या कैसे आया था आपको? यूट्यूब का तो कोई आइडिया कौन था, बस नुए कॉमेडी कराया करते, मजाक का मनु बस करी गए, फिर यूट्यूब का बेरा पार्टी का इस पर गिरना चैनल बना के ना वैसे ही गिरने लगे थे। अच्छा, क्योंकि सुई गांव के अंदर आपने सबसे पहले शुरुआत की थी बीएसएस मूवी की, जहाँ तक मेरे को पता है, ये सच है नहीं है ना भाई? एक नैया का छोरा था मुकेश। अच्छा, वो कर रहा था चैनल, वो कर रहा था। हाँ, उसके बाद में आपने स्टार्ट की थी। हाँ, लेकिन उस टाइम पर मैंने बेरा कौन था चैनल, ओके है नया ना हो है। अच्छा, वैसे स्टार्ट कर दिया था। वैसे ही कर दी थी। तो अब वो कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया काम? कर रहे हो? वो भी कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। तो आपको मतलब स्टार्टिंग में आइडिया यहीं से मिला था कि वो काम कर रहा है, तभी आप ही? ना, उस तो आइडिया कौन मिला। ओके। वो तो बस नुए कराया करता, बाकी हम भी फिर नुए करने लगे थे। अच्छा, शौक शौक में करने लगे। राजेंद्र भाई ना शौक ज्यादा था। अच्छा। और उसके लिए स्कूल में चले जाते, और वैसे ही जी फोन फान भी, मेरा फोन था, उस फोन तो वीडियो बना के देख दे। अच्छा। तो फिर राजेंद्र की स्वाद भी लेते, राजेंद्र राजेंद्र उसने शौक ज्यादा था, राजेंद्र ने एक ठंडा लिया यार। अच्छा। और एक नरेश डॉक्टर था हमारे गली, ठीक है, वो ठंडा का चाम उसके लिए चले जाते, हर वीडियो बना दे उसके स्वाद लेते, पागल हो। अच्छा, इस चक्कर में जाया कर दे। अच्छा, मतलब मजे मजे में आप? हाँ, शूट मजे मजे में ही करया कर दे बस। अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपने जब शुरुआत की, किन किन तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा, कि मतलब पहली को वीडियो आपकी आई, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स आया था? नो है, तकलीफ तो कभी आई है कौन ही, तकलीफ कभी नहीं आई। हाँ, घर वालों ने स्टार्टिंग से साथ दिया आपका? घर वाले शुरू में तो मेरा ही कौन था। अच्छा, पता ही कौन था। कितनी वीडियो के आने के बाद में पता चला घर वालों को? घर वालों को तो नो, मेरी वीडियो खुद की तो भाई आई है 1 साल तक। एक साल तक? हाँ, पहले मैं वीडियो में खुद नहीं आता था, पहले राजेंद्र और ज्ञानी ने लिया करता वीडियो में। अच्छा। और बनांदा काम करता मैं तो मूवी वाले चैनल पे। हाँ। ओके, उसके बाद में आपने रोल किया है? हाँ, इनका जाने के बाद में फिर मैंने खुद रोल करे हैं। अच्छा, तो आप फैमिली का पूरा मतलब पूरा आपका साथ मिल रहा है फैमिली का साथ? बिल्कुल हो भाई, दाल रोटी चल रही है, फैमिली तो राजी होगी, दाल रोटी चल रही है, घर वालों को भी दे देते हो? बिल्कुल दे भाई। तो आपने जब रोल वगैरह करते हो, आपका रोल चेंज भी होता रहता है पर वीडियो में, तो ऐसे कैसे कर लेते हो आप? वो तो भाई करेक्टर होगा, उस तरह करना पड़ेगा, करेक्टर के हिसाब से कर लेते हो। दारू पीने को दारू पीने करना पड़ेगा। कोई दिक्कत होती है? नहीं होती ना, दिक्कत तो कोई नहीं होती इसी। और सबसे बड़ा जो ये टीम एकत्रित करना, ये सबसे बड़ी बात होती है, तो आपने ऐसे टीम मतलब एकत्रित कैसे की थी? टीम तो भाई कदे कोई आ गया, कदे कोई चला गया, नुए चल रहा है। ये तो आपके मैन रोल रहते होंगे, ये जो अभी हमारे साथ टीम बैठे हैं। मैन ये संदीप है, मैन और पवन है और राकेश है, ये तो मैन लगभग ये है कि या होगी और मॉडल है वह सोनिया होगी, निशा है, ये मैन है, बाकी आंधे जहाँ बदल जाते। पहले तो चैनल पर कई आ लिए, क्यों राजेंद्र आ गया, ज्ञानी आ गया, बिरजा आ गया, गौतम आ गया, और भी कई से कलाकार आ लिए होंगे, घने नहीं तो 50 कलाकार तो आ लिए होंगे मूवी वाले पे। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट वगैरह कौन लिखता है इसकी? भाई लिखता तो कौन ही, सोचा ही करूँ, रात ना सोच ली हूँ, सवेर वह बना दी। अच्छा, मतलब सोच के सब कुछ बना लेते हो, लिखना वगैरह कुछ नहीं करते? ना, लिखाया लिखा बात कौन है यार इतने। तो एक वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है? एक दिन पूरा लग जाए। एक दिन पूरा? हाँ। और एडिटिंग वगैरह करने में कितना टाइम में एक वीडियो लगा देते हो? एडिटिंग में टाइम लग जाए, 2 दिन लग जाए एडिटिंग में, तो मतलब 2-3 दिन में एक वीडियो तैयार कर देते हो। हाँ। तो एक महीने में आप कितनी वीडियो अपलोड करते हो? एक महीने में 4 वीडियो है। 4 वीडियो अपलोड करते हो? हाँ। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, आपके फैन मिल गए हो, कि आपको मैं मतलब बजरंग शर्मा हो आप, ऐसी कोई घटना आपके साथ? हाँ, जहाँ कदे कदे या तो हो जाए, होती जाती है। कोई ऐसा सीन आपके साथ हुआ हो बता सकते हो? हाँ, एक दिन मोटरसाइकिल बजाने लग रहा था, तो उन्होंने पिछाड़ लिया, रुका मारा, भाई बजरंग भाई भाई भाई, वहाँ के बात होगी भाई, उन्होंने बोला यार मैं तेरी वीडियो देखो हूँ। अच्छा। और तेरा फैन हो यार, चा पानी पे ले आड़े, मेरा घर है महा यार। तो फिर मेरे ही बाल गली थे, ठीक है, वहाँ भाई बाल गली हरे ठीक को नहीं यार। अच्छा। उन्होंने बोला यार पी लेंदा वहाँ ना, आई नहीं फिर कुमार देखेंगे। आपको जो गाँव वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? भाई मेरा गाँव जैसा गाँव कितने को नहीं, पूरा गाँव साथ दे रहा है इसमें कॉमेडी में, जी भी इतने चैनल चले हैं, पूरा गाँव साथ दे रहा है। आज इस गाँव के अंदर कितने यूट्यूब चैनल है? 11-12 चैनल हैं जो
ठीक ठाक चल रहे हैं, वैसे तो घने ही हैं। अच्छा, जो ठीक ठाक चल रहे हैं वो है 11-12। हाँ, जो आपका घर चला रहे हैं इसके सारे 11-12 हैं। तो अब वैसे तो मतलब बहुत सारे चैनल हो गए जो सही चल रहा है वो 11-12 हैं। हाँ, 11-12। तो कोई नेगेटिव कमेंट भी आते होंगे आपकी वीडियो पे? वो तो भाई एक आधे आए जहाँ, तो उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है भाई? क्या करना, डिलीट करते हैं और तो क्या इलाज। डिलीट कर देते हो और क्या इलाज, कोई इलाज तो कोई नहीं। सही बात है, क्योंकि जब जितना आप ऊपर बढ़ोगे एक दो तो आपको मिल जाएंगे टांग खींचने वाले। बिल्कुल मिला है यार, ये तो वही है। जितना आप मतलब आप जितना हाई लेवल पे जाओगे ना उतने लोग गालियाँ निकालेंगे, ऐसा तो होता रहता है सबके साथ। बाकी आप ही निकाली काट को नहीं, क्यों आप हाई लेवल पर जावा को नहीं, ज्यादा गाड़ कौन काट है। हाई लेवल पे आप गए हुए हैं, आप नहीं मानते? ना ना, कौन इसी कोई बात को नहीं। 5 लाख से ज्यादा आपके साथ फैमिली जुड़ी हुई है, आपकी वीडियो मतलब इतना प्यार मिलता है, कमेंट भी आपके अच्छे आते हैं। 100 में से कोई मुश्किल से एक कमेंट ऐसा आता होगा जो मतलब कमेंट तो अच्छी बात सब है। धार्मिक वीडियो बनाओ तो धार्मिक पर कमेंट गलता हूँ, कोई नहीं है आपके साथ कम है। तो आप ये जो टीम है इसको मतलब कैसे हायर करते हो, मतलब कैसे बुलाते हो? आपको आज शूट करना है तो आप इनको कैसे बुलाते हो? फोन करते हैं सारे, तो रहे एक दिन में आ जाते हैं। बाकी लगभग सुई के ज्यादा है, सुई के हाँ बहनी के हैं एक आधा बस नू आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होती मतलब या कोई दिक्कत है को नहीं, आस पास से ही है सारे। हाँ सारे अड़ गए। हाँ जी सर, आप बताइए। मैं तो उरा एक हूँ जो सुई का है। सुई का ही हाँ, इन बजरंग भाई के पास ही रहता हूँ, और इन्होंने एक छोटा चैनल भी खुलवाया हुआ है अनमोल वीडियो के नाम से। अनमोल वीडियो के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ अनमोल है ना। तो इनके साथ भी काम करते हो, उस पर भी काम करते हो, दोनों पे काम? दोनों पे। तो फैमिली वाले क्या रिस्पॉन्स रहता है, फैमिली वाले साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे? भाई फैमिली वाले बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। हाँ, और काम करने में मजा भी आवा है। अच्छा हाँ, और घर का खर्चा भी नुला ले, चले जा काम, चले जाए काम। हाँ, बोर बढ़ाई मांड में कि मैं कौन दे रहा भाई, इसमें 2 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, इसी कोई बात मतलब काम तो चल जाता है। हाँ, काम चल जाए, हर नाम चल मान ले, एक बात था पहचान तो बना है। सही बात है, सबसे बड़ी बात तो पहचान की, जनता का प्यार तो मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। और गांव वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? भाई गांव वाले तो ये बजरंग भाई का है ना, घना साथ दे हैं भाई, घना साथ मेरे हिसाब से इसे काम पाऊँ को नहीं भाई, सोई काम भी से। अच्छा हाँ, घना बढ़िया। तो आपके जो रिश्तेदार है उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो? भाई रिश्तेदार तो सारे देखा है ना, तो जिस तरह नू को नहीं दे पाता है बता रहा नू मिल से ले हैं, क्यों वीडियो देख ले नू देख ले भाई की वीडियो आएगी। अच्छा हाँ, हर शनिवार या इतवार की वीडियो हम डालते हैं। आप मंथली में कितनी वीडियो डालते हो? 4 4 वीडियो डालते हो हफ्ते में एक वीडियो। तो आपको चैनल बनाए हो कितना टाइम हुआ है? मेरी हो गई 2 महीने। 2 महीने हुए हैं अभी। तो फर्स्ट वीडियो में आप कब आए थे? फर्स्ट वीडियो में हो गए होंगे देख ले 2 महीने, तो होली इसी तरह मान लो 2 महीने हिसाब चला लो हिसाब कितने हो गए। नहीं नहीं, जो BSS मूवी के साथ आपने काम किया है इसमें फर्स्ट वीडियो में आप कब आए थे? भाई फर्स्ट वीडियो में तो बजरंग वाली बात सही, वो चमत्कारी बाबू की वीडियो बनाओ थे, बोला भाई चल लगा के। अच्छा, और ठंडा लेके समोसे लेके उड़े दोनों तीनों चले गए, ठंडा समोसा में बिक जाए करते बस नुए तो चाह था फिर धीरे धीरे उस चीज़ में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, आप फिर वो काम करने लगे। अब तो मजा आ रहा होगा? हाँ मजा भी आ रहा है, साथ साथ में अपना एक काम भी मिल गया करना है। अच्छा। सारी चीज़ मतलब बिल्कुल बढ़िया भाई। हाँ जी, आप इनको मतलब जैसे बुलाते हैं आपको, यदि कोई आपको हायर करना चाहता है मतलब आपको वीडियो में लेना चाहता है तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? बजरंग भाई से या राजेंद्र भाई से फोन नंबर लेके बात कर लेंगे जी, बात कर सकता है। कोई इंस्टाग्राम पे आईडी, आपकी फेसबुक पे आईडी, या कोई संदीप सिंगल के नाम से है जी, संदीप सिंगल नाम से आईडी है, वहाँ से मैसेज करके भी कर सकता है। हाँ जी। तो आपने कितने चैनलों पे काम किया हुआ है? मैंने 10-12 चैनलों पे काम करा जी। 10-12 चैनलों पे काम किया हुआ जी। आपके सॉन्ग भी आए हुए हैं शायद? 3 सॉन्ग आए हैं जी मेरे। कौन कौन से हैं? एक भी चलन है, एक गांव की बहू है, एक क्षण क्षण बाजे पायल योगा। किन के साथ साथ है ये? ये अनिल प्रेम नगरिया, इसमें सोनी का मॉडल है, एक नसीब झांझिया है जी। अच्छा जी। तो फैमिली वाले सही साथ दे रहे हैं आपका? खुश हैं जी फैमिली वाले, खुश हैं बिल्कुल। तो आप लेट भी हो जाते हो कि शूट के टाइम, कभी जल्दी कभी लेट हो, जैसे होता रहता है? कोई टेंशन को नहीं जी, उरा भी रुक जाऊँ घर पर भी निकल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मैम आपका? मेरा वैसे तो दिव्या पुनिया नाम है लेकिन नाटकों में चंद्रावल नाम है। तो आपको मतलब से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है आपसे? बजरंग सर हैं और अपने विजय राज प्रोडक्शन है, उन राकेश जी हैं, दोनों से कांटेक्ट कर ले। तो आपने कितने चैनलों पे काम किया हुआ है? मैंने तकरीबन 6 चैनल पे काम कर लिया। 6 चैनल पे काम कर लिया। तो सबसे पहले आपने किसके साथ काम किया था? सबसे पहले मैंने राकेश जी दिराना से उनके साथ काम किया था। दिराना से है जो, तो इनके साथ जो BSS मूवी वालों के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है काम करने में। हाँ जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। और जो आपको नए नए करेक्टर मिलते रहते हैं उसमें कोई दिक्कत होती है नहीं होती चेंज करने में? कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से कर लेते, आराम से कर लेते हैं। माँ का रोल है, माँ का रोल करेंगे, भाभी का है, भाभी का कर लेते हो? हाँ, माँ का, भाभी का, मतलब जो करेक्टर मिलेगा वो करना है। तो आगे का आपका क्या प्लान है सर? आगे तो ये काम करना है बस,
वीडियो बनावांगे आगे देंगे बस। तो कोई आपको ऑफर आए बॉलीवुड की तरफ से ऐसा कुछ? ना ऐसा कौन ही हो कदे भी नहीं नहीं ऐसा हो सकता है हो गया तो भी कौन छोटा अपना ये काम करांगे कितने करोगे करोगे हाँ हाँ बस ना बॉलीवुड दी कौन जावा इतनी बड़ी सोच को नहीं। अच्छा हाँ पक्का फाइनल है तो। अच्छा अपन उरे आसाना लोग थे उरे हिरण आप ही ने तो नए नए यूट्यूबर बन रहे हैं उनके लिए लास्ट में क्या कहोगे? भाई बढ़िया काम करेंगे सब चलेंगे सब चलेंगे। हाँ कंटेंट आपका बढ़िया होना चाहिए कॉन्टैक्ट बढ़िया होना चाहिए स्क्रिप्ट बढ़िया होनी चाहिए बढ़िया दूसरे की कॉपी ठा के न गिरते हैं वो काम गलत है। जो वो काम करेंगे नहीं चलेंगे यार कॉपी मत करो किसी की। हाँ अपना खुद के अंदर जो टैलेंट है वो दिखाओ। हाँ अरे कॉपी तो ठीक से कॉपी थी तो चल जा स्टोरी कॉपी कर ली थोड़ी बहुत वह चल जा या फिल्म उठा ली वह चल जा पर वीडियो उठा के न और गिरते हैं नए नए चैनल किस तरह चलेंगे यार। तो आपकी डालिए किसी ने हाँ कहीं चलना पड़ी भी है बहुत चलना पड़ी है तो चली आएगा दी वीडियो नहीं चली चल रही है लाख लाख दो लाख थी व्यूज आ रहे हैं दूसरे चैनल वो भी। अच्छा तो आपने कोई कॉपीराइट वगैरह ना ना आप ही कुछ नहीं करते कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट कुछ भी नहीं भेजते तो उनको कुछ बोला तो होगा किसी के थ्रू भाई बंद कर दो ना ऐसा काम कौन करते वहाँ चलो यार समझ जाएंगे को आप पे मान जाएंगे कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं होती ना ना। तो ये थे हमारे साथ बजरंग शर्मा जी आज इन्होंने बता दिया किन किन तकलीफों का इनको सामना करना पड़ा ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।